मोमिन, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं महसिन, मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। भाई तुमने बताया था कि नहीं? भाई हम कल रात से दरवाजा देख रहे हैं कि आप अभी आएंगे। पूरी रात गुजर गई और आप नहीं आए। हम एक फोन ही करते थे। बेहोशी में अंदाजा ही नहीं था कि रात कब गुजर गई। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। देखो क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। कौन जानबूझकर अपनी हालत बिगाड़ता है। अम्मी अब भाई के साथ बैठे मैं लेकर आती हूँ दूध। इन जख्मों की इतनी तकलीफ नहीं है अम्मा, जितना अपनों की दूरी ने घाव दिया है मुझे। पल पल जान निकलता रहा मेरी। मोमिन अपनी सफाई में कुछ मत कहना बेटा, वो सब बता गई। अकेला गया क्या? आपका बेटा बद करदा, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे आप लोगों का सर शर्म से झुक जाए। ये गिरा गया ना अम्मा। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी। अब्बा ने जल्दी कर दी अम्मा, उनका हकीकत जानना बहुत जरूरी था। भाई तुम्हें भी यकीन आ गया ना अपने भाई? भाई सर माफी का लफ्ज मुंह में बार बार आता है लेकिन खुद को रोक लेती हूँ। किस मुंह से माफी मांगू मैं आपसे? अब्बा को तो वापस नहीं ला सकता बेटा, लेकिन तुम्हारी खुशियां जरूर वापस लौटाऊंगा। नहीं भाई आप आ गए हैं ना, मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। बहनों की खुशी उनके घर से जुड़ी होती। नहीं भाई यही मेरा घर है। भाई आपको याद है बाबा हमेशा कहते थे खबरदार किसी ने कहा कि ससुराल मेरा घर। बाकी तो हर बात याद है। हाँ वो कहते थे कि ये घर और तुम्हारा ससुराल दोनों तुम्हारे घर। बस बेटा बस, हम लोगों ने जिंदगी का सफर नए सिरे से शुरू कर लिया। सब कुछ भुला कर बेटा, हम तो भूल जाएंगे अम्मा, दुनिया नहीं भूलेगी। भाई दुनिया नहीं भूलेगी। भाई आप भूल जाएंगे ना, पूरी दुनिया भी भूल जाएगी।